इनफाइनाइक्स नोट 7 इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तो उसकी जो भी लॉन्चिंग प्राइस है, लॉन्चिंग डेट है, वो सारी चीजें को आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हो तो आपको इसके फोन के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप सबके लिए आज ही मैं ये वीडियो ले आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम इनफाइनाइक्स नोट 7 की पूरी रिव्यू करने वाले हैं। इस बार हमें उसमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं और जो जो हमें स्पेसिफिकेशंस इस बार इनफाइनाइक्स की कंपनी के थ्रू मिलने वाले हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं रोज एक ऐसी नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो इनफाइनाइक्स नोट 7 इतने टाइम से पेंडिंग था इंडिया में, बट अब ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। यह भी पक्का नहीं है कि इनफाइनाइक्स नोट 7 अब लॉन्च होएगा ही होएगा, अभी भी एक्सपेक्ट किया गया है कि ये जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो अगर आप लोग भी इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हो तो आपको भी ज़रूरी है कि आप लोगों को इसके फ़ीचर्स के बारे में पता हो, इसकी प्राइस के बारे में पता हो, और इसके जो हमें स्पेशल फ़ीचर्स इस बार देखने को मिलने वाले हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप सबके लिए मैं ये वीडियो ले आया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इस बार हमें इनफाइनाइक्स की तरफ से इनफाइनाइक्स नोट 7 में MIUI एंड्रॉयड 10 वर्जन का यहाँ पे हमें सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेटेस्ट फ़िलहाल तो अभी MIUI 11 है, तो इसके हिसाब से इसमें जो एंड्रॉयड सिस्टम हमें मिलने वाला है काफ़ी हद तक अच्छा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में हमें यहाँ पे 6.95 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, मतलब 17.65 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी हद तक बड़ी है यहाँ पे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके परफॉर्मेंस की। तो इस बार हमें इनफाइनेक्स की तरफ से इनफाइनेक्स नोट 7 में जो प्रोसेसर है वो हमें MediaTek हीलियो G70 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलने वाला है, जिसमें हमें 2x2 GHz का Cortex A75, साथ ही साथ 6x1.5 GHz का Cortex A55 के प्रोसेसर यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। और इनफाइनाइक्स नोट 7 में इस बार हमें 6GB की RAM मिलने वाली है, और जो इंटरनल स्टोरेज है वो हमें 128GB प्रोवाइड होने वाली है। इसके साथ हम अगर अलग से मेमोरी कार्ड लगाना चाहें तो वो अप टू 2TB एक्सपेंडेबल है। और जो इनफाइनेक्स नोट 7 में इस बार जो हमें डिस्प्ले मिलने वाला है वो बेजल लेस होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसकी रेजोल्यूशन की। तो रेजोल्यूशन भी ठीक ठाक है, इसमें ज़्यादा हमें हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलने वाला। यहाँ पे हमें 720 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिलने वाला है, मतलब जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी होगी वो हमें HD या फिर HD प्लस में ही मिलने वाली है। तो अब आ चुके हैं हम अपनी वीडियो के काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो अगर आप जब भी कोई फ़ोन खरीदते हैं तो आप सबसे पहले उसका कैमरा देखना पसंद करते हैं, तो इनफाइनेक्स की तरफ से भी इस बार हमें ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से हमारा एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा, दूसरा और तीसरा हमारा 2 मेगापिक्सल का होगा। तो इस बार हमें यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिला है वो हमें 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं हम इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की। तो बैटरी परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली यहाँ पे हमें बैटरी है जो हमें 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है विद सुपर चार्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस फ़ोन की, आपको यहाँ पे 3 days का बैटरी बैकअप मिलने वाला है, और साथ ही साथ यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का भी सिस्टम आपको प्रोवाइड होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमें सिम फंक्शन मिलता है वो हमें यहाँ पे डुअल सिम फंक्शन मिलता है, जिसमें हमें नैनो प्लस नैनो विथ वोल्ट सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे जो दोनों सिम है वो हमारी 4G 3G सपोर्ट करती हैं। तो इस बार इनफाइनेक्स नोट 7 में इस बार हमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिनके बारे में इनफाइनेक्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। तो उनमें से कुछ फीचर्स के बारे में आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो सबसे पहले यहाँ पे हमें फीचर देखने को मिलता है वो है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इस बार हमें इनफाइनेक्स नोट 7 में साइड फिंगरप्रिंट सेंसर की अवेलेबिलिटी मिलेगी, और साथ ही साथ हमें हमारे पास फेस अनलॉक भी अवेलेबल होगा। फिर इनफाइनेक्स नोट 7 की तरफ से यहाँ पे हमें 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा।
तो अब हमारा ये रिव्यू ख़त्म होता है। तो आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब आ चुके हैं हम अपने मेन मुद्दे की तरफ। तो अगर आप लोग ये फ़ोन ख़रीदने वाले हैं तो आप लोगों को इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में पता होना चाहिए, इसकी रिलीजिंग प्राइस के बारे में पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके साथ हमें जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहले इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो इन्फाइनिक्स नोट 7 की जो रिलीजिंग डेट है वो रखी गई है 12th of August। ये अभी तक पक्का नहीं है कि ये इन्फाइनिक्स नोट 7 12th अगस्त को ही लॉन्च होएगा इंडिया में। हो सकता है इसकी डेट चेंज हो जाए या फिर हो सकता है इसका मंथ चेंज हो जाए। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये फ़ोन रिलीज़ होता है तो ये किस प्राइस के साथ रिलीज़ होने वाला है, और अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो इसकी क्या हमें कीमत देनी होगी। तो इसकी जो रिलीजिंग प्राइस रखी गई है वो है 9,499 रुपीज़। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने पूरा रिव्यू इन्फाइनिक्स नोट 7 से रिगार्डेड सारी चीज़ें आज इसमें हमने डिस्कस कर ली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें।